दोस्तों आज YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपको जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें आप अंत तक देखें और ये खासकर शुगर के जो पीड़ित भाई बहन, माता बहन और भाई बंधु हैं उनके लिए मैं ये अरुई का फूल लाया हूँ। आप बहुत सुने होंगे अरुई के पत्ते के बारे में और उसकी सब्जी खाए होंगे, उसकी पकौड़ी खाए होंगे। आज हम इस अरुई के फूल का आपको बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं। ये देखें, इस अरुई के फूल को खौलते हुए पानी में मैंने जो है इसको डिप कर लिया, थोड़ा नरम हो गया। नरम होने के बाद इसके अंदर जो डंठल थी उसको मैंने निकाल दिया। निकाल के इसको जो है एक आधा चम्मच जो है ये मैंने बेसन लिया है, आधा चम्मच ये सूजी लिया है, स्वादानुसार जो है सेंधा नमक डाला है, हल्दी डाला है, जीरा डाला है, अजवाइन डाला है, हींग डाला है। डाल के उसे इसके अंदर मैंने जो है ये पूरा देखें आप भर दिया। भर के जो है फैला के भरा है। उसके बाद कटिंग कर दिया। ये शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही लाभप्रद है, ये शुगर ब्लड प्रेशर में फ़ायदा करता है। लेकिन जिसे गले में खराश हो, गले में प्रॉब्लम हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, इसे न लें। लेकिन बकिया जो है शुगर के पेशेंट और ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो है इसे ले सकते हैं। ये देखिए आम की खटाई है, इसे थोड़ा मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। ये सब मिला के जो है हमने इसको तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद जो है इसे अब जो है हम ये बेसन का घोल है, बेसन का घोल ये जो है देखें, बेसन का घोल मैंने बना के ये तैयार रखा है। इसमें लपेटा हमने, लपेट के ये जो है अब हम इसको तेल की कढ़ाई में ये डालने जा रहे हैं। ये देखिए डाला हमने, एक एक करके तेल की कढ़ाई में जो है हम ये आप देख सकते हैं, ये हमने जो है एक एक पीस जो है ये दूसरा पीस मैंने डाला। ये आप देखें तल रहा है, ये मैंने तीसरा पीस डाला। ये एक ही फूल का है, ये अरुई का फूल जो है बड़ा ही स्वास्थ्य के लिए सुंदर है, बड़ा ही अच्छा है ये। और ख़ासकर रोगी के हैं जो शुगर के रोगी हैं और ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उनके लिए, ये हमारी माताजी शुगर की पेशेंट थी, बराबर जो है ये अरुई का इस्तेमाल करती थी। अरुई का पत्ता है, अरुई है, अरुई का जो है फूल है, ये कहीं कहीं सीजन भर मिलता है, तो जब सीजन में मिले आप इसका इस्तेमाल करिए। ये देखें 4-5 पीस जो है एक अरुई का मैंने तैयार करके आपको दिखाया है। ये हो गया, तल रहा है, अब मैं इसको निकालूंगा। ये बड़ा ही सुंदर और बड़ा टेस्टी, बड़ा स्वादिष्ट होता है। इसको जो है आम की चटनी से खाएं आप, टमाटर की चटनी से खाएं आप, जो है मिर्ची की चटनी से खाएं। इस फूल को बॉयल नहीं करना है, बॉयल करेंगे तो आप एकदम गल जाएगा। इसे बॉयल नहीं करना है, इसे केवल गर्म पानी में हल्का सा खौलते हुए पानी में डालेंगे आप, नरम हो जाएगा। नरम होने से ये खुल जाए, जो से खुल जाए और अंदर से डंडी इसकी निकल जाए। और निकाल के इसको फैला के मैंने अंदर थोड़ा भर दिया और भरने के बाद ऊपर से लपेट दिया। अब इस देखिए एकदम गुलाबी हो जाए ज़रा, इसको हम निकालेंगे। ये कई तरीके से बनता है, ये हमने एक तरीका बनाया है इसको। और माता जी तो इसको तल के ऐसे भी खाती थी और तल के जो है इसे जो है हम लोग से बनवाती थी तो फिर सब्जी बनाती थी। हम लोग तो आधा ऐसे ही खा जाते थे बड़ा टेस्टी लगता था, आधा ऐसे ही खा जाते थे। फिर वो कहती थी अरे कहाँ गया जो बचता था, वो जो है फिर वो सब्जी बनता था। और सब्जी तो इतना लबाबदार होता है, जायकेदार होता है कि हम आपसे इसकी वर्णन बता नहीं पाते हैं। ये माता जी की सेवा में माता जी को समर्पित है, आप सभी को समर्पित है। आप लोग देखें ये जो है ये तैयार हो गया। और अब हम इसी के साथ जो है ये परवल कटा हुआ है आप देख रहे हैं, इस परवल को मैंने इसमें सब पलट दिया। ये आप देखें सब पलट दिया और ये एक एक करके जो है अब हम इसको कढ़ाई में तेल को समर्पित करते हैं। ये तेल में गया दूसरा, ये देखें आप जो है धीरे धीरे करके एक एक पीस डालेंगे, एक एक पीस डालेंगे तो ये जो है चुरचुरा होगा, बढ़िया होगा। ये दूसरा इस तरीके से, ये परवल बड़ा ही मुफीद है, परवल जो है किसी भी रोग में फ़ायदा करता है। ये सब्जी ऐसी है कि 12 महीना मिलती है। अब हम देखेंगे आप इसमें जो है ये हो गया। अब ये देखें कच्चा केला है, कच्चे केले को भी शुगर में इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम
प्रचुर मात्रा में इसमें है, कैल्शियम है, आयरन है, ये गुणों का भंडार है। ये आप जाने कि त्रिदोष नाशक है, कफ वायु पित्त का समन करता है। इसकी पकौड़ी हम जो है अब देखें आप ऐसे ये घोल में लपेट लिया, लपेट के आप देखें ये जो है हम पलट रहे हैं, ये इसको हम बाहर कर लेंगे, तब दूसरे को जो है तैयार करेंगे। हल्का गुलाबी हो जाने तक जो है आप सभी इसको देखें। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग माता जी की सेवा में तत्पर थे, 27 साल हमारी किचन में जो है कोई मीठी चीज़ें नहीं बनी, हम लोग जानते ही नहीं मीठी चीज़ें क्या होती किचन में। सभी चीज़ों को जो शुगर के रोगियों को फ़ायदेमंद हो वही हम लोग बनाते थे। अब आप देखें ये हम कच्चे केले को डाल रहे हैं, ये पहला पीस मैंने डाला, ये लपेटते जाएंगे, पलटते जाएंगे, ये डालते जाएंगे। ये केले का जो है पकौड़ी सर्वविदित है, लेकिन ख़ास करके जो है ये शुगर के रोगियों के लिए ये बहुत ही लाभप्रद है। ये देखें 5 पीस मैंने डाल दिया, ये तैयार हो रहा है। अब आप देखें मूंगफली भी ये गुणों का भंडार है, ये जो मूंगफली आप देख रहे हैं ये मैंने 4-5 पीस इसको भी डाल दिया है। ये अब ये एक एक करके हम मूंगफली भी इसमें डाल दिए। ये मूंगफली का भी जो है हमारे शुगर के जो रोगी भाई बंधु हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें आप जो है तैयार हो गया, हमारी चटनी पहले से तैयार है। अब हम जो है कार्न फ्लावर है मेरे पास, हम उसकी भी जो है आपको इसको निकाल लेते हैं। ये देखें केले की पकौड़ी तैयार, ये आ गया। ये सारी पकौड़ियाँ एक साथ 3-4 पकौड़ियाँ तैयार कर दिया मैंने, जो आप इसका आनंद ले सकें, बनाएं आनंद लें और स्वास्थ्य भी ये सही रहेगा। ये देखें कार्न फ्लावर है, अब ये हम कार्न फ्लावर जो है ये देखें कार्न फ्लावर हमने इतना निकाल लिया, इसमें निकाल के इसमें जो है मैं 1 चम्मच ये गीला वाला डाल दिया आप देखेंगे, और ये 1 चम्मच ये सूखा वाला, और 1 चम्मच ये डाला सूजी मैंने डाला, और अब इसमें जो है थोड़ा सेंधा नमक मैंने डाला, अब ये थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा जीरा, थोड़ा अजवाइन, ये सब डाल के मैं इसमें चला दिया। अब देखें ये थोड़ा सूखा इसलिए डाला कि ये चुरमुरा हो, बहुत गीला हो जाने पे। ये कार्न फ्लावर बहुत ही बॉडी के लिए ताकतवर है, शुगर के पेशेंट के लिए भी ये जो है बहुत ताकतवर है। इसको हम अभी थोड़ा थोड़ा करके ये देखें कार्न फ्लावर की पकौड़ी तैयार हो गई। सभी परिचित है जिसको हम भुट्टा भी कहते हैं, ये भुट्टे की पकौड़ी जो है ये भी आप परोसें, चटनी से सर्व करें, दें। देखें एक लाइफ तक जो है इंसान चलता है, लेकिन कुछ जहाँ एज हो रही है, पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब जो है शुगर, ब्लड प्रेशर, गठिया, ये सारी प्रॉब्लम जो है सभी लोगों को होने जाती है। जहाँ थोड़ा सा सुख से चलने का वो होता है, वहाँ जो है ये सारी बीमारियाँ हमको घेर लेती हैं।
तो जब हम जो है ये चीज़ें सामान्य ढंग से लेके चलें और मैनेज करें तो हम स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। ये आप देखिए सब हो गया, ये चटनी है आम की, आप इससे लें, आप इसको डिप डिप करें खाएं, और आपको समर्पित है। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कोई बात हो तो आप उसे जो है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। धन्यवाद।